नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल sifo9.com पर और मैं हूं उदय पाठक। और आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव टाइप्स एंड डिफिनेशन इन इंग्लिश ग्रामर। सो यदि आप 6 to 12 क्लास के अंदर हैं तो दिस चैनल इज ओनली फॉर यू एंड नाउ गेट स्टार्टेड। तो एडजेक्टिव टाइप्स एंड डिफिनेशन इन इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, इसके डिफिनेशन को समझने का प्रयास करेंगे। सो एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बतलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश में क्या कहेंगे, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। मतलब ये कि किसी भी नाउन प्रोनाउन का जो विशेषता बतलाता है, अथवा नाउन और प्रोनाउन में कुछ जो कुछ नया ऐड करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। अब कुछ उदाहरण के साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सम फूड्स कुछ भोजन, ऑल थिंग्स मतलब सभी चीज़ें, बहुत पानी मच वाटर, सेवरल्स क्वेश्चन कई सवाल, सिक्स बॉयज छः लड़के, एनी बॉयज कोई लड़का, दिस बुक यह किताब, विच बॉय कौन सा लड़का, हर सिस्टर उसकी बहन, इच मैन प्रत्येक आदमी, हार्ड वर्क्स कौन सा कार्य। इसमें क्या है, यहाँ पे सम जो है, सम ये क्या है, एडजेक्टिव है। सम मीन्स कुछ, ये भोजन का विशेषता बतला रहा है, इस भोजन का ये विशेषता बतला रहा है, मतलब कुछ भोजन, ऑल थिंग्स सभी चीज़ें, इसमें सभी जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। ऑल, ऑल क्या है, एडजेक्टिव है। मच वाटर बहुत पानी, यहाँ मच क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। सेवरल क्वेश्चन यानि कई सवाल, यहाँ सेवरल क्या है, एडजेक्टिव है। सिक्स बॉयज छः लड़के, यहाँ सिक्स क्या है, एडजेक्टिव है। वैसे कोई लड़का, लड़का का विशेषता है, मतलब कोई लड़का, एनी बॉयज ये क्या है, विशेषण है, ये एडजेक्टिव है। दिस बुक्स यह किताब ये क्या है, विशेषण है। विच बॉय कौन सा लड़का, हर सिस्टर उसकी बहन, इच मैन प्रत्येक आदमी, व्हाट वर्क्स कौन सा कार्य, यहाँ व्हाट क्या है, एडजेक्टिव्स है, ओके। नाउ यहाँ व्हाट क्या है, एडजेक्टिव है। अब इसको हम सेंटेंस में प्रयोग करके देखेंगे। जैसे ऊपर बोल्ड दिया गया, ये सारे बोल्ड वर्ड्स जो हैं वो एडजेक्टिव्स हैं, ओके। सो नेक्स्ट हम नीचे दिए गए इन वाक्यों को देखने का प्रयास करेंगे। जैसे आई हैव रेड पेंस, मेरे पास लाल कलम है, कलम कैसा है, लाल है। आई हैव ए लॉट ऑफ पेंस, मेरे पास बहुत कलम, बहुत कितना कलम है, बहुत कलम, ये बहुत क्या है, लॉट ऑफ क्या है, एडजेक्टिव है। सिक्स क्या है, एडजेक्टिव है। सेवरल क्या है, पास कई कलम है, एडजेक्टिव है, जैसा कि हमने ऊपर देखा हुआ था। गुड क्या है, एडजेक्टिव है। ब्रेव माने बलवान, क्या है, ही इज ब्रेव वह बलवान है, ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है। डैट इज अ फास्ट ट्रेन, वह फास्ट ट्रेन है, वह तेज ट्रेन तेज है, मतलब ये फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। ट्रेन की क्या है, फास्ट है। दूध कैसा है, मीठा है, मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा होता है, दूध कैसा होता है, मीठा होता है, स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है। सोहन इज नॉट लेजी, सोहन लेजी नहीं है, मतलब सोहन लेजी नहीं है, तो लेजी क्या है, एडजेक्टिव है। सी इज ब्यूटीफुल, वह खूबसूरत है, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव। ए ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग देयर, काली गाय वहाँ चर रही है, यहाँ ब्लैक क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये बोल्ड किया हुआ जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे एडजेक्टिव हैं।
इसे रेड क्या है, पेन का विशेषता बतलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के प्रकार। सो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। पोसेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्यष्टिवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जोरदार विशेषण। और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव मतलब विस्मयादी बोधक विशेषण। नाउ अब हम लोग फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। मतलब ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण का बोध होता है। जैसे हम नीचे दिए गए शब्द से देखेंगे, नीचे गए शब्द से देखेंगे। गुड मीन्स अच्छा, मतलब कोई चीज अच्छा है। गुड क्या है, क्वालिटी बताता है। कोई भी चीज कैसा है, अच्छा है, खराब है, कमजोर है, मजबूत है, दयालु है, क्रूर है, मीठा है, कड़वा है, दुबला है, पतला है, मोटा है, लंबा है, छोटा है, गर्म है, ठंडा है, सुंदर है, कुरूप है, लाल है, बुरा है, क्या है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण को ये बता रहा है, तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट अब हम लोग इसे कुछ वाक्यों में देखेंगे। राम इज ए गुड बॉय, राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, यह राम की एक क्वालिटी बता रहा है। टेबल इज लॉन्ग, टेबल कितना कैसा है, लंबा है, तो टेबल की क्या है, क्वालिटी बता रहा है। ही इज वेरी कोल्ड, वह बहुत बहुत ठंड है। इट इज वेरी कोल्ड, ठंड कैसा है, बहुत ठंड है, तो ये क्वालिटी, ठंड की क्वालिटी बता रहा है। वह सुंदर है, उसकी क्वालिटी क्या है, सुंदर है, ब्यूटीफुल। द पेन इज रेड, कलम लाल है, तो ये रेड क्या है, कलम की विशेषता है। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जो भी बोल्ड किए हुए वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ओके नेक्स्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक विशेषण। तो अब हम लोग देखेंगे परिणामवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ थिंग्स आर मेंट। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से किसी भी वस्तु के किसी भी चीज का मात्रा या परिणाम का बोध होता है। इसे मात्रा या परिणाम का बोध होता है। इसे सम माने कुछ, मच मीन्स अधिक, लिटिल मीन्स नहीं के बराबर, होल मीन्स पूरा, ऑल मीन्स सब, नो मीन्स नहीं, एनी मीन्स कोई, एनफ मीन्स पर्याप्त, ए लॉट ऑफ मीन्स बहुत। इसे किसी भी चीज़ के क्वांटिटी माने कितना है उसकी मात्रा का बोध होता है, मात्रा या परिमाण का बोध हो रहा है। जैसे हम नीचे गए दिए गए वाक्यों से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज ए लॉट ऑफ राइस, ए लॉट ऑफ राइस, उसके पास बहुत सारा चावल है। चावल कितना है, बहुत सारा है, तो बहुत सारा क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो क्वांटिटी हो गया। होल मनी, पूरा का पूरा पैसा बांट देगा, पूरा का पूरा, ये क्या है, पूरा का पूरा, पैसा का विशेषता बतला रहा है, पूरा का पूरा पैसा, कितना पैसा, पूरा का पूरा पैसा, होल मनी। तो होल क्या है, होल क्या है, ये होल जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही हैज लॉस्ट ऑल द वेल्थ, उसने अपनी सारा पैसा खो दिया, अपना सारा पैसा, सारा, ऑल, ऑल क्या है, ऑल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही डिड नॉट ईट एनी राइस, एनी क्या है, एडजेक्टिव है, एनी मीन्स कोई चावल नहीं खाया। सम बॉयज, ये क्या है, कुछ लड़के अनुपस्थित थे, सम बॉयज आर एब्सेंट टुडे, तो सम क्या है,
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी थे, ये क्या था, ऑल मेंस माने सारे लोग नश्वर हैं, ऑल क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नो पिक्चर्स इन दिस बुक, नो क्या है क्वांटिटी माने कोई नहीं था, क्वांटिटी का यहाँ पे बोध हो रहा है, तो ये क्या है नो, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। वो हम देखेंगे, मतलब ये बोल्ड किया हुआ जितने भी वर्ड्स हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सो हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर मेंट, इन व्हाट ऑर्डर ए पर्सन और थिंग्स आर मेंट, और व्हाट ऑर्डर पर्सन और थिंग्स स्टैंड, मतलब ये कि इसे व्यक्तियों और वस्तुओं का क्रम का या संख्या का बोध होता है, ठीक है। ऑर्डर मीन्स क्रम और संख्या, थिंग्स आर मेंट, कितनी से कितने लोग हैं इसे, सो हाउ मैनी पर्सन मैंने कितने लोग और वस्तु हैं क्रम में अथवा संख्या में, ठीक है। तो अब देखते हैं, मतलब इसका मतलब ये है एडजेक्टिव में संख्यावाचक विशेषण, मतलब से किसी भी व्यक्तियों में वस्तुओं की संख्या या क्रम का बोध होता है। जैसे नीचे गए शब्द दिए गए शब्द हैं, फ्यू मीन्स कुछ, नो मीन्स नहीं, मेनी मीन्स बहुत, सम मीन्स कुछ, एनफ मीन्स पर्याप्त, सेवरल मीन्स कई, आल मीन्स सभी, वन मीन्स कोई एक, टू मीन्स दो, फर्स्ट मीन्स पहला, सेकंड मीन्स दूसरा। हम नीचे दिए गए इस शब्दों को एग्जांपल के साथ समझेंगे। सो ही हैड सम आवर्स, उसके पास कुछ घोड़े हैं, ऑल मैन मस्ट डाई, सारे लोग जरूर मरेंगे, द कैट हैज वन टेल एंड टू आई, मतलब ये बिल्ली के पास एक पूंछ और दो आंखें हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है संख्या का बोध हो रहा है, संख्या का कुछ हैं, सारे लोग, सारे क्या है संख्या है, क्रम है, वन पूंछ और दो आई, फर्स्ट मैन पहला आदमी, कतार में बहुत से लोग होंगे उसमें पहला आदमी, इसे ऑर्डर का बोध हो रहा है, क्रम का बोध हो रहा है, मेनी ऑफ देम उसमें से कुछ लोग, मतलब ऑर्डर का बोध हो रहा है, क्रम का बोध हो रहा है, एनी ऑफ देम कुड डू, फ्यू एस्केप अनहर्ट, ऑल आर मोर्टल, वन शुड डू वन ड्यूटी, आई हैव सम मील, आई हैव सम मैंगोज, सम ऑफ देम आर अब्सेंट, मैं उसमें से कुछ लोग अब्सेंट है। एक चीज और कि एक ही वर्ड्स अलग अलग एडजेक्टिव हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दैट एडजेक्टिव्स व्हिच सेंटेंस, इन व्हिच सेंटेंस यूज्ड, इस सेंटेंस में किस वर्ड्स का यूज है, डिपेंड्स करता है वो कौन सा एडजेक्टिव है, ओके। सो ऊपर दिए गए जितने ही बोल्ड वर्ड्स हैं ये सारे एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, मतलब जिस एडजेक्टिव से व्यक्ति वस्तुओं को सूचित किया जाए, इंगित या निर्देशित किया जाए, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। सो दिस मीन्स यह, डैट मीन्स वह, दिस मीन्स ये, दोज मीन्स वो, सच मीन्स ऐसा, ये क्या है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस मैन विल गाइड यू, यह आदमी तुम्हारा मदद करेगा। आई डिड नॉट लाइक दैट वुमन, मैं उस औरत को पसंद नहीं करता हूँ। दिस पेंस आर माइन, दोज बुक्स आर माइन, आई हेट सच थिंग्स, तब दिस मीन्स यह, ये इंगित करता है कि यह आदमी, वह आदमी, ये कलम, वो कलम, कुछ कलम, ठीक है, ये किसी वस्तु की ओर इंगित करता है, बताता है कि ये वो, ठीक है, तो ये क्या है डेमोस्ट्रेटिव, संकेत करता है ये किसी की ओर, ये क्या है संकेतवाचक विशेषण है। नाउ पोसेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण।
possessive adjective so, possession of relation मतलब अधिकार या संबंध का अर्थ होता है possessive adjective से, जैसे my means मेरा, our means हमारा, your means तुम्हारा, their means उनकी, his means उसका, her means उसकी, its means इसकी, निर्जीव के लिए। so this is possessive adjective, इसे अधिकार का अर्थ होता है, जैसे यह मेरा स्कूल है, अधिकार है इस स्कूल पर मेरा, ये मेरा स्कूल है। इट्स कलर इज ब्लैक, इसका कलर काला है, ठीक है। माय मदर इज इल माने मेरा मदर, मदर पर मेरा अधिकार है जो बीमार है, ठीक है, मतलब इसे अधिकार या संबंध या माता से हमारा संबंध है, माया माता, ठीक है। यहाँ माई क्या है, अधिकार या संबंध को बोध कराता है, तो माई क्या है, संबंधवाचक, और ये सारे संबंधवाचक एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ठीक है। दिस इज माई स्कूल, इट्स कलर इज ब्लैक, माई मदर इज इल, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इच, एवरी, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसे इच, एवरी, आइदर और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है, मतलब ये इच, आइदर, नाइदर, आइदर का डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे फॉलो बाई ए नाउन, जो किसी नाउन द्वारा प्रयुक्त रहता है, जैसे इच, एवरी, आइदर, नाइदर, अब इसको हम देखेंगे। इच मीन्स प्रत्येक, एवरी मीन्स प्रत्येक, आइदर मीन्स कोई एक, नाइदर मीन्स कोई भी नहीं, ठीक है। हम नीचे दिए गए वाक्यों को देख रहे हैं, इच बॉय हैड ए पेन, प्रत्येक लड़के के पास एक कलम है। एवरी मैन हैज हिज ओन ड्यूटी, प्रत्येक आदमी को उनका ड्यूटी करना चाहिए। आइदर पेन्स विल डू, ठीक है, यानी प्रत्येक कलम लिखता है। नाइदर वे वाइस, कोई भी रास्ता सुरक्षित नहीं है। इच ऑफ बॉयज गोट अ प्राइज, ठीक है। इच टू इट इन टर्न, आइदर ऑफ यू कैन डू इट, नाइदर ऑफ देम ऑन द मैच, ठीक है। यहाँ व्यष्टिवाचक एडजेक्टिव है, मतलब ये आइदर नाइदर के बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है, जैसे देखिए इसके बाद कोई नाउन है, एवरी मैन, आइदर पेन, नाइदर वे, इच ऑफ बॉय, इच ऑफ टू, आइदर ऑफ यू, नाइदर ऑफ देम, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन यूज है इन सारे वर्ड्स के बाद, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, मतलब ये प्रश्नवाचक विशेषण, जैसे व्हाट, विच, कैन, व्हाट, विच, हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज विथ अ नाउन टू आस्क ए क्वेश्चन, मतलब ये जब ये किसी नाउन के जगह पर क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं तो इन्हें हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल, जैसे व्हाट मींस क्या, विच मींस कौन सी, हुज मींस किसकी, और नीचे दिए गए सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। व्हाट क्वेश्चन डिड द टीचर आस्क, कौन सा क्वेश्चन शिक्षक ने पूछा। What questions, which box, whose books, ये नाउन के जगह पे प्रयुक्त हैं, ठीक है, नाउन के स्थान पे प्रयुक्त हैं, तो ये क्या है, ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये बोल्ड किए हुए जितने वर्ड्स हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का हिंदी यहाँ दिया हुआ। अब देखिए हम नेक्स्ट प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव मीन्स व्यक्ति वाचक विशेषण, एडजेक्टिव मेड फॉर प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, दैट मीन्स प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे ही इज एन इंडियन स्टूडेंट, वह एक भारतीय विद्यार्थी है। इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट, मतलब भारतीय किसान ईमानदार हैं। अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश, मीन्स अमेरिकन इंग्लिश जो है अलग है ब्रिटिश इंग्लिश से। डू यू लाइक यूरोपियन कल्चर, क्या आपको यूरोपियन संस्कृति पसंद है, तो
प्रॉपर एडजेक्टिव, ये प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं। जैसे देखिए इंडियन स्टूडेंट, ये प्रॉपर नाउन स्टूडेंट है, इंडियन लग गया, इंडियन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव, इंडियन फॉर्मर, अमेरिकन इंग्लिश, यूरोपियन कल्चर, ये इंडियन अमेरिकन यूरोपियन क्या है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, जो प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से बने होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब नेक्स्ट इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, इट मीन्स जोरदार विशेषण, ऑन, वेरी सेम, इट इज सच एडजेक्टिव एज ए यूज टू कन्वे इम्फेसाइज ऑन द नाउन्स दैट फॉलो एम सच एडजेक्टिव इज कॉल्ड इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इट मीन्स ऑन, वेरी सेम, इट इज, ऐसे एडजेक्टिव हैं जो किसी नाउन के पहले रहकर उस नाउन पर बल देते हैं एडजेक्टिव को इम्फेसाइज कर, जैसे ऑन माने अपना, वेरी माने बहुत, सेम मीन्स समान, वेरी सेम माने बहुत समान। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ देम विथ माई ऑन, मेरे अपनी आँखें, तो मेरी अपनी, ही इज द वेरी बुक आई वॉन्टेड, माने बहुत सारा किताब, वही किताब, वही अपना किताब, वही बहुत सारा किताब, घर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादिबोधक विशेषण। व्हाट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, व्हेन इट इज यूज्ड एज ए एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दैट मीन्स जब व्हाट का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है तब इसे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहा जाता है। तो मुझे दिए गए वाक्यों को समझेंगे, व्हाट ए फॉली, कितना मूर्ख है, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है, व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज मैन, कैसा अच्छा आदमी है। तो यहाँ व्हाट क्या है, विस्मयादि बोधक विशेषण, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ होता है एक्सक्लेमेटरी विशेषण के बाद। नाउ कुछ लोग पूछते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, जैसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, देयर आर 10 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, लिमिटिंग एडजेक्टिव, ए एन डी को लिमिटिंग एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ओके, तो नाउ इफ यू आर स्टूडेंट्स, सो यदि आपको ये पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करिए हमारे इस फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर, अपने फेसबुक ग्रुप्स में हमारे इस वीडियोस को शेयर करिए एंड हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। एंड यदि आपको इस पोस्ट में, इस वीडियोस में कोई डाउट है तो हमें कमेंट के ज़रिए बताएं और हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। So thank you, bye bye.